दोस्तों आज जिस फिल्म की कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ वह फिल्म जेल से भागे तीन कैदियों पर आधारित एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो कि आपको काफी पसंद आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मूवी सारांश में आज की फिल्म है ओ ब्रदर वेयर आर्ट थाउ। फिल्म की शुरुआत में हमें कई कैदियों को सड़क पर पत्थर तोड़ते हुए दिखाया जाता है। सभी कैदी एक दूसरे के साथ बेड़ियों में बंधे होते हैं। इन्हीं बेड़ियों में एवरेट, पीट और डेनवर भी एक दूसरे के साथ बंधे होते हैं। जब सभी पत्थर तोड़ रहे होते हैं उसी दौरान ये तीनों कैदी वहां से भाग जाते हैं। दरअसल ये लोग खजाना ढूंढने के लिए जेल से भागे थे, जहां कुछ दूर भागने के बाद इन्हें एक ट्रेन दिखता है जिसमें एवरेट चढ़ जाता है, लेकिन डेनवर की वजह से तीनों ट्रेन से गिर जाते हैं। तभी उन्हें पटरी पर चलने वाली ट्रॉली के साथ एक अंधा बुजुर्ग जाता हुआ दिखता है। वे लोग उस ट्रॉली पर चढ़ जाते हैं। उस बुजुर्ग व्यक्ति से बात करने के दौरान उन्हें खजाने के बारे में पता चलता है। वह बुजुर्ग व्यक्ति उनसे कहता है कि वह लोग जिस खजाने को ढूंढ रहे हैं वह उस खजाने के बारे में नहीं बोल रहा। वह कहता है कि वह जिस खजाने के बारे में बोल रहा है उसके लिए उन्हें कई कठिनाइयों और मुश्किलों भरे रास्तों से गुजरना होगा। उसकी बातों को सुनने के बाद वहां से वे लोग निकल जाते हैं और बात करते करते पीट के भाई के यहाँ पहुँचते हैं और पेट भर खाना खाने के बाद सो जाते हैं। लेकिन पीट का भाई पुलिस को उनके यहाँ छुपे होने की खबर दे देता है, इसलिए पुलिस वहाँ पहुँच जाती है और उन्हें घेर लेती है और उन्हें बाहर आने को कहती है, लेकिन वे लोग बाहर नहीं आते। इसलिए उन्हें बाहर निकालने के लिए उस जगह पर आग लगा दिया जाता है। इसके बाद पीट के भाई का बेटा गाड़ी लेकर वहां आता है और उन्हें भगाने में मदद करता है, जहां एक जगह पहुंचने के बाद उनकी गाड़ी खराब हो जाती है और वे लोग पीट के भाई के बेटे को वहां से घर जाने के लिए बोल देते हैं और फिर आसपास गाड़ी के खराब हुए पार्ट्स को ढूंढते हैं। एक दुकान में जाने पर दुकान का मालिक कहता है कि उसे एक सप्ताह का समय चाहिए उस पार्ट्स को मंगाने के लिए। इसके बाद वे लोग इधर उधर घूमने लगते हैं। इसके बाद हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ ये तीनों अपने गाड़ी में बैठकर एक चौराहा से गुजर रहे होते हैं। तभी उन्हें एक व्यक्ति वहां पर खड़ा दिखाई देता है, इसलिए वे लोग उसे अपनी गाड़ी में बैठा लेते हैं। गाड़ी में बैठने के बाद वह व्यक्ति कहता है कि उसका नाम टॉमी जॉनसन है और वह गिटार बजाता है। वह उनसे बात करने के दौरान बताता है कि उसने अपनी आत्मा शैतान को दे दी है। वह कहता है कि वह बिस्मैंगो जा रहा है, वहां पर अच्छा गाने और बजाने पर अच्छा पैसा देते हैं, इसलिए वे लोग भी उसके साथ चले जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद एवरेट बताता है कि वह लोग एक मशहूर ग्रुप सॉगी बॉटम बॉयज हैं और वे बहुत अच्छा गाते हैं। वे सभी यहां पर अपना गलत नाम बताते हैं और गाना गाते हैं। वहां के व्यक्ति को उनका गाना काफ़ी पसंद आता है और बदले में उन्हें $10 दिया जाता है, जिसे लेकर वह खुशी खुशी वहाँ से बाहर निकलते हैं। रात हो जाती है और वह लोग एक जगह पर रुकते हैं और वहां वे अपने द्वारा किए गए चोरियों की चर्चा करते हैं। उसी दौरान फिर से वहां पुलिस आ जाती है और उनके गाड़ी को आग लगा देती है, इसलिए वे लोग वहां से भाग जाते हैं और पैदल ही आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन अचानक से उस ओर एक गाड़ी तेजी से आती है और उन लोगों के पास आकर रुक जाती है। उसमें बैठा व्यक्ति जिसका नाम जॉर्ज है वह उन लोगों से एक जगह का पता पूछता है और अंदर बैठने को कहता है। अंदर बैठने के बाद उन्हें नोटों से भरे बैग दिखते हैं। तभी पीछे से ढेर सारी गाड़ियां उस गाड़ी का पीछा करते हुए आते हैं, लेकिन जॉर्ज उन पर हमला कर उन्हें रोक देता है। जॉर्ज कहता है कि उसने पैसे बैंक लूट कर जमा की है। अब इसके बाद फिल्म शिफ्ट होता है दूसरे सीन पर, जहां पर हमें दिखाया जाता है कि जिस जगह पर इन लोगों ने गाना गाया था वहाँ पर एक आदमी आता है। वह कहता है कि सॉगी बॉटम बॉयज ने जो गाना गाया था वह देश में मशहूर हो गया है, हमें उन लोगों को ढूंढना चाहिए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एवरेट, डेनवर और पीट जब एक रास्ते से गुजर रहे होते हैं। तभी पीट उन्हें गाड़ी रोकने को कहता है, जहां उन्हें तीन लड़कियां नदी किनारे कपड़े धोती हुई दिखाई देती हैं, जिसे देखकर तीनों बेहद खुश हो जाते हैं। इसके बाद लड़कियाँ उन्हें खूब शराब पिलाती है, जिस वजह से वे तीनों बेहोश हो जाते हैं। जब उन्हें होश आता है तब वे देखते हैं कि पीट वहां पर नहीं है और उसके कपड़े वहीं पर पड़े हुए हैं और उन कपड़ों में से एक मेंढक बाहर निकलता है।
यह देखकर डेनवर सोचता है कि उन लड़कियों ने पीट को मेंढक बना दिया है, इसलिए वह मेंढक को पकड़कर अपने पास रख लेता है। उसके बाद वे लोग एक बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए पहुंचते हैं। वहां पर सबसे महंगा खाना ऑर्डर करते हैं। तभी उनकी बातें सुनकर उनके पास बैठा एक व्यक्ति आता है। वह कहता है कि उसका नाम जॉर्ज है, वह एक बिजनेसमैन है। जॉर्ज उन लोगों को बिजनेस बनाने के बारे में बोलता है और उन्हें एक सुनसान जगह पर ले जाता है। वहां पर वे खाना खाते हैं और खूब शराब पीते हैं। दरअसल जॉर्ज का प्लान उन लोगों को एक सुनसान जगह पर ले जाकर उनके पैसे लूटने का था, इसलिए जॉर्ज उन्हें मारकर उनके पैसे लूट लेता है। साथ ही एक बॉक्स में बंद मेंढक, जिसे वे लोग पीट समझ रहे थे, उसे भी मार देता है और वहां से भाग जाता है। वहीं हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहां पीट को कुछ लोगों ने पकड़ लिया है और उसे मारने के लिए फंदे से लटकाने वाले होते हैं। तभी पीट उन्हें अपनी जान बचाने के लिए कुछ कहता है, इसके बाद वे लोग रुक जाते हैं। इसके बाद अगले सीन में डेनवर और एवरेट एक ट्रक में बैठकर उसी जगह से गुजर रहे होते हैं जहां वे लोग कभी काम किया करते थे। तभी एवरेट को पीट उस जगह पर काम करता दिखता है, पर उसे ऐसा लगता है कि उसे भ्रम हुआ है, इसलिए वो उस पर ध्यान नहीं देता। वहीं इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गवर्नर चुनाव को लेकर दूसरा प्रत्याशी हॉल्मर स्टॉक्स अपना प्रचार कर रहा होता है और उस दौरान उसने कई लोगों को उसमें परफॉर्म करने को देता है और उसमें एवरेट की बच्चियां भी गाना गा रही होती है। उनका गाना समाप्त होने के बाद वह अपनी बच्चियों से मिलता है, जहां उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी ने उसके बच्चों से कहा था कि उसके पिता की मौत हो गई है, इसलिए वह दूसरी शादी करने वाली है। इसके बाद एवरेट अपनी पत्नी पेनी से मिलने जाता है। वह उससे कहता है कि उसने बच्चों को झूठ क्यों कहा, उसका पति मर गया है। इसके जवाब में वह कहती है कि क्या वह अपने बच्चों को सच बोलती कि उसके पिता जेल में है। इसी दौरान उसका होने वाला पति वर्नोन आ जाता है, जहां एवरेट और उसकी लड़ाई होती है, जहां वर्नोन उसकी खूब पिटाई करता है और उसे वहां से बाहर फेंक दिया जाता है। इसके बाद एवरेट और डेनवर एक थिएटर में जाकर फिल्म देखने लगते हैं। उसी समय वहां पर कैदियों को भी फिल्म दिखाने के लिए लाया जाता है, जिसमें पीट भी होता है, जिसे देखकर एवरेट और डेनवर को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता, लेकिन पीट उन्हें कुछ कहकर इशारा करता है, जिसके बाद उन्हें यकीन हो जाता है कि पीट जिंदा है। रात में जब सभी कैदी सो रहे होते हैं, तभी वे दोनों पीट के पास जाते हैं और उसकी बेड़ियों को काट कर वहां से उसे भगा ले जाते हैं। इसके बाद पीट बताता है कि उसने खजाने के बारे में उन लोगों को बता दिया है जिन लोगों ने उसे बंदी बनाया था। ऐसा कहते हुए वह रोने लगता है, जिसके बाद एवरेट बताता है कि वहां पर कोई खजाना नहीं है, उसने जेल से भागने के लिए मनगढ़ंत कहानी बनाई थी। वह कहता है कि उसने अपनी पत्नी को दूसरी शादी करने से बचाने के लिए ऐसा किया। जब ये सारी बातें दोनों सुनते हैं तो एवरेट पर बहुत गुस्सा होते हैं, इसलिए गुस्से में आकर पीट एवरेट से लड़ने लगता है और लड़ते लड़ते दोनों एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहां उन्हें कुछ लोग सादे कपड़े में नाचते और गाते हुए दिखते हैं। इसलिए ये जानने के लिए कि वहां क्या हो रहा है, वे लोग छिपकर देखने लगते हैं। वे देखते हैं कि उन लोगों ने टॉमी को पकड़ लिया है और उसे फंदे में लटकाने वाले हैं, इसलिए वे लोग उसे बचाने का निर्णय लेते हैं। कपड़े बदलकर उस ग्रुप में शामिल हो जाते हैं और टॉमी के पास पहुंचते हैं और उससे कहते हैं कि वे लोग उसे बचाने के लिए आए हैं। यहाँ पर जॉर्ज भी होता है। जॉर्ज वही व्यक्ति है जिसने एवरेट और डेनवर को मारकर उनके पैसे छीन लिए थे। वह वहाँ पहुंच जाता है और उन्हें पहचान लेता है। यहाँ पर गवर्नर चुनाव का प्रत्याशी हॉल्मर स्टॉक्स और उसका सहयोगी द लिटिल मैन भी होता है। एवरेट, पीट और डेनवर किसी तरह टॉमी को वहां से लेकर निकल जाते हैं और जाते जाते जलती हुई क्रॉस से बंधी वायर को काट देते हैं, जिसके नीचे आ जाने से जॉर्ज की मौत हो जाती है। इसके बाद वे लोग एक पार्टी में अपना भेष बदल कर पहुँचते हैं, जहां एवरेट की पत्नी और उसका होने वाला पति भी होता है, जहां पर ये अपने आप को एक म्यूजिकल ग्रुप बताते हैं और परफॉर्म करते हैं। एक ओर पीट, डेनवर और टॉमी परफॉर्म कर रहे होते हैं तो दूसरी ओर एवरेट अपनी पत्नी पेनी को वहां से चलने को कहता है, लेकिन वह राजी नहीं होती, जहां पर गवर्नर पेपी ओडेनियल भी आते हैं। इसी दौरान एवरेट ग्रुप रेडियो स्टेशन में गाया हुआ गाना यहां पर भी गाना शुरू कर देते हैं। गाना के शुरू होते ही वहां की पब्लिक पागल हो जाती है और नाचने लगते हैं। इसके बाद स्टॉक्स भी वहां पहुंच जाता है और उन्हें देखकर पहचान जाता है। वह कहता है कि यह लोग श्वेत नहीं है
और ये लोग सॉगी बॉटम बॉयज भी नहीं हैं, ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, लेकिन लोग उनकी बातों पर विश्वास नहीं करते और उसे उठाकर बाहर फेंक देते हैं। वहीं गवर्नर मौके का फ़ायदा उठाते हुए कहता है कि वह इन लोगों की सज़ा को माफ़ करवा देगा और अपने कमिटी में भी जगह देगा। इसके बदले वह वहां जमा हुए लोगों से वोट मांगता है। इसके बाद सभी खुशी खुशी वहां से बाहर निकलते हैं। एवरेट अपनी पत्नी के साथ बाहर निकलता है और कहता है कि अब शादी होगी लेकिन लड़का बदल जाएगा। इसके लिए उसने रिंग ले ली है और अपनी पत्नी से पूछता है कि उसकी रिंग कहाँ पर है। तब पेनी कहती है कि उसने पुराने घर के केबिन के टॉप पर रिंग को रखा है। वह कहती है कि उसके पुराने रिंग के बिना शादी नहीं हो सकती। इसके बाद वह वहां से चली जाती है। अगले दिन एवरेट के साथ सभी तीन लोग उसके पुराने घर पर उस रिंग को ढूंढने जाते हैं। तभी वे देखते हैं कि वहां पर कुछ लोग पहले से ही हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने पीट को बंधक बनाया था। यहाँ पर वे लोग इन सभी को पकड़ लेते हैं। तब वे लोग कहते हैं कि उनकी सजा माफ़ कर दी गई है और ये बात रेडियो पर भी बताया गया है, लेकिन वह कहता है कि उसके पास रेडियो नहीं है, उसने नहीं सुना। इसके बाद वे लोग उन लोगों को सूली पर लटका कर मारने वाले होते हैं कि तभी वहां पर बाढ़ आ जाती है और वहां का पूरा दृश्य ही बदल जाता है। जो लोग एवरेट और उसके साथियों को मारने वाले थे उनका कुछ अता पता नहीं चलता। वहीं दूसरी ओर एवरेट और उनके साथी अब बच गए हैं। इस पूरी घटना को लेकर उनके बीच बातें हो ही रही होती हैं कि अचानक उन्हें गोदाउन के ऊपर गाय दिखती है। तब एवरेट को उस अंधे बुजुर्ग की बातें याद आती हैं जिसने कुछ इसी तरह की बातें उनसे पहले की थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एवरेट और उसके बीबी और बच्चों पर, जहां एवरेट अपनी पत्नी पेनी को कहता है कि उसे वह रिंग मिल गई है, लेकिन उसकी पत्नी कहती है कि वह उसकी रिंग नहीं है। तब वह कहता है कि वह रिंग लाना संभव नहीं है, उसका घर अब तालाब में परिवर्तित हो गया है, लेकिन वह कहती है कि उसे वही रिंग चाहिए और यहीं पर मूवी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, इस फिल्म को साल 2000 में रिलीज किया गया था। इस फिल्म का बजट था 26 मिलियन डॉलर और इस फिल्म ने लगभग 73 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। दोस्तों, यह फिल्म आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि मैं इस तरह की मूवीज बेस्ड स्टोरी टेलिंग लगातार आपके लिए लाता रहूं। थैंक यू।